फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का को ये सुनते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट में पार्शियलिटी होती है, जज का बेटा ही जज बनता है, या इंडिया में वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जजेस ही जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बाकी सबके लिए वो ज्ञान देते हैं कि कैसे आप अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, और जब जज ही जज का बैठ के सिलेक्शन कर लेगा तो ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी। इसलिए इस चीज़ को हमें जानना एज एन एस्पिरेंट भी ज़रूरी है, और अगर आप नहीं भी तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वैसे भी हमें जानना ज़रूरी है कि जो लोग हमें बोलते हैं, नसीहत देते हैं कि ईमानदारी बरतनी चाहिए, आप खुद के मामले में जज नहीं हो सकते हैं, आप खुद के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, दूसरे की बात भी सुने, दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंट्री जहां पर जज ही जज का सिलेक्शन कर ले रहे हैं, तो अब इसमें कैसे ईमानदारी होगी, राइट? ये तो आप सोचने वाली बात है। अमेरिका में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार करती है, ब्रिटेन में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार करती है, और वो फेयर वे में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक जिस तरह से यूपीएससी कमीशन है, ऐसे एनजेएसी बना के कमीशन बना के जजेस का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो जजेस को लगता है कि इससे जुडिशरी खत्म हो जाएगी। तो हमें किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि कोई बहुत दूध का धुला है, ऐसा भी नहीं है। बट एज ए स्टूडेंट हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और कोलेजियम सिस्टम होता क्या है, राइट? तो समझे जरा, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जो शुरुआत होती है अपॉइंटमेंट की, इनिशिएशन जिसे बोलेंगे, तो इनिशिएशन करेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शुरुआत करेगा, ठीक है, नाम रिकमेंड करेगा। वो जो उसने प्रपोजल दिया वो फिर डिस्कस किया जाएगा कोलेजियम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का मतलब है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो शुरुआत की थी सीजीआई ने, अब ये कंसल्ट किया जाएगा, सलाह मशविरा किया जाएगा किसके साथ में, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के साथ में। कोलेजियम का मतलब क्या है, उसमें सीजीआई के साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी शामिल रहेंगे, वो कंसल्ट करेंगे। उसके बाद वो कंसल्ट किया जाएगा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा जाके, आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है कि वो हाई कोर्ट जज ना रहा हो, एक दो केसेस में वकील भी जज बने हैं, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अमूमन वही बनता है जो हाई कोर्ट में जज रहा हो। तो होता क्या है, सीजीआई ने शुरुआत की, उसके बाद वो सलाह मशविरा हुआ, कंसल्टेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा, फिर जिस हाई कोर्ट से हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में जज होने जा रहा है, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको भी लूप पे लिया जाएगा, राइट? तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विच बिलोंग्स टू द रिकमेंडेड जजेस, कौन सा हाई कोर्ट का जज कर लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम है वो अपने में कंसल्ट करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके साथ में कंसल्ट करेगा। मान लेते हैं कि एमपी के हाई कोर्ट है, उसका कोई जज सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, तो फिर कहाँ का चीफ जस्टिस दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट। तो इतना हमने समझा, सीजीआई शुरुआत करेगा अपॉइंटमेंट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम जो है वहां पे डिस्कशन होगा, उसके बाद जहां से जिस हाई कोर्ट से जज का नाम रिकमेंड हुआ है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आएगी वो कंसल्टेशन, और ये दोनों में जो अपना डिसीजन देंगे, ठीक है, उसमें सहमति देंगे, और ये जो सहमति होती है ये मौखिक नहीं होती है, ओरल नहीं होती है, ये रिटन कंसल्टेशन होता है, राइट? और जो कोलेजियम का डिसीजन होता है वो मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है, यानी 5 लोग हैं तो उनमें कम से कम जब 3 जज एग्री करेंगे तभी किसी नाम को, किसी व्यक्ति को जज बनाने को लेके आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। तो कंसल्टेशन रिटर्न होगी और डिसीजन किसके आधार पर होगा, मेजोरिटी के आधार पर। फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करने के बाद वो अपना जो प्रपोजल है वो जो हमारे केंद्र सरकार का विधि मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसके पास आएगा, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्ट्री इस प्रपोजल को कहाँ देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फाइनली क्या कर देगा, अपॉइंटमेंट कर देगा।
कितनी बात आ गई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। शुरुआत सीजीआई के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके बाद केंद्र सरकार का विधि मंत्रालय। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय किसको देगा ये जो फाइल है? पीएम के पास आएगी। पीएम किसको एडवाइस करेगा? प्रेसिडेंट को। और फाइनली अपॉइंटमेंट कौन कर देगा? प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है अगर ये पूछा जाए तो प्रेसिडेंट करता है। फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जज। लेकिन इसमें जो मेन रोल है वो किसका है? वो मेन रोल होता है कोलेजियम का। कोलेजियम का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हमने समझा सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये अपॉइंटमेंट के लिए भी है और ट्रांसफर के लिए भी है। अब आप देखें जो हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का होना है, तो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का होना है तो शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? जो शुरुआत की जाएगी आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो रिटायर होने वाला हमारा चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसके द्वारा शुरुआत की जाएगी, है ना। और अगर अदर जजेस का है तो जो वर्तमान में चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसके द्वारा शुरुआत की जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके द्वारा शुरुआत की जाएगी, जैसे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया था। फिर ये प्रपोजल किसके पास भेजा जाएगा? हाई कोर्ट का कोलेजियम। जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम था तो कोलेजियम फिर से क्या हो जाएगा? कोलेजियम ऑफ हाई कोर्ट। उसका मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट CJHC प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के कोलेजियम के बाद ये कहां पे आएगा? सीएम के पास आएगा। सीएम इस रिपोर्ट को किसको देगा? गवर्नर को देगा, चूंकि गवर्नर ही मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है स्टेट में। गवर्नर इसे किसे ट्रांसफर करेगा? फिर से अब याद करो, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो लिंकिंग चेन होता है वो गवर्नर होता है, राइट। तो अब अगर स्टेट की कोई बात सेंट्रल तक पहुंचानी है तो बीच में कौन आएगा? गवर्नर आएगा। गवर्नर ये जो प्रपोजल है किसको देगा? जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है या लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर जो केंद्र सरकार का विधि मंत्रालय है उसके पास ये प्रपोजल जाएगा। केंद्र सरकार का विधि मंत्रालय इस रिपोर्ट को कहां भेजेगा? वो भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास। फिर से सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम उस पर स्टडी करने के बाद अपना एग्री, जो एग्री कर रहा होगा वो बताएगा, और वो वापस कर देगा किसको? लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री फिर इसे किसे दे, किसे ट्रांसफर करेगी? पीएम को। और फिर पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट फिर क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। यानी फिर से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी फाइनली कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। तो हमने देख लिया, चाहे हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो, जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो हमारा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन दोनों ही मामलों में जो मेन भूमिका होती है वो कोलेजियम व्यवस्था की होती है, जिसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये होती है कोलेजियम व्यवस्था, और ऐसे हमारे देश में जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसका हिस्ट्री क्या है बहुत ब्रीफ में समझे कि थ्री जजेस केस हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए कोलेजियम की हिस्ट्री जानने के लिए। पहला है फर्स्ट जजेस केस 1981। तो इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में या हमारे जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी सलाह ही सर्वोपरि है। हाँ, अगर ऐसी कोई बहुत सॉलिड प्रूफ मिल जाते हैं कि गलत नाम रिकमेंड किया है तो जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज प्रेसिडेंट, है ना, क्योंकि जो मेन एग्जीक्यूटिव होता है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है हमारे कंट्री को, वो तो प्रेसिडेंट माना जाता है। ये बात अलग है वो डीजे और होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो तो पीएम होता है, लेकिन ऑन पेपर तो प्रेसिडेंट होता है। तो फर्स्ट जजेस केस जो 1981 में आया, इसमें कहा गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ही सर्वोपरि है। हाँ, अगर कोई बहुत इस आपको इंस्टेंजेंट प्रूफ मिल जाते हैं, सॉलिड प्रूफ मिल जाते हैं कि ये गलत है, उस कंडीशन में ही प्रेसिडेंट मना कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट जज केस में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई की सलाह को सर्वोपरि माना गया। फिर आया सेकेंड जजेस केस 1993। सेकेंड जजेस केस 1993 में कहा गया नहीं, ये व्यवस्था गलत है। तो उसमें कहा गया कि अब इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन का मतलब है अब सीजीआई की अकेले की राह नहीं, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये कहा गया, यानी जो कोलेजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई वो 1993 के सेकेंड जजेस केस से ही हुई, लेकिन उस समय जो कोलेजियम बनाई गई वो सीजीआई प्लस 2 था। फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आया और उसने कहा कि ये जो कोलेजियम व्यवस्था है इसका हमें थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहिए, राइट।
तब उसको बनाया गया कि अब कोलेजियम का मतलब होगा सीजेआई प्लस फोर। और एक चीज कहा गया फर्स्ट जजेस केस में, कहा गया था कि प्रेसिडेंट मना कर सकता है, अब यहां पर है कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, जो नाम बताए हैं कोलेजियम ने प्रेसिडेंट को उसको जज बनाना पड़ेगा। तो थर्ड जजेस केस जो हुआ 1998, उसमें हमारा कोलेजियम जो आज का कोलेजियम है उसको क्या कर दिया गया, सीजेआई प्लस फोर कर दिया गया। राइट, शुरुआत कब से हुई है, सेकेंड जजेस केस से हुई है। तो इसके क्या प्रॉन्स है, क्या कौन सा, ये हम लोग आगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इस वीडियो का मतलब यही था, कोलेजियम व्यवस्था वाकई में कैसे काम करती है, किसका क्या रोल है और ये कैसे इवॉल्व हुई है, ये आपको बताना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। अगर ये इनिशिएटिव पसंद आए सो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो आपके दोस्त पढ़ाई करते हैं और जो नहीं भी करते हैं लेकिन जानना चाहते हैं, उनके बीच आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।